दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिससे हर मुस्लिम को गर्व होगा और हर हिंदू को भी गर्व होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है 786 के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी न्यूज अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन धर्म के मुताबिक 786 का मतलब ओम होता है राइफल। पता ही अपनी पुस्तक जस्वी माइंड में बताते हैं कि पवित्र कुरान की सभी अरबी प्रतियों पर अंकित त्रयमसी अंक 786 अरबी विद्वानों ने परमात्मा के रूप में इसे विशेष अंक का चुनाव निर्धारित कर इसे ईश्वर के सम्मान दर्जा दिया गया। अगर इस जादुई संख्या को संस्कृत में लिखा जाए तो ओम जादुई संख्या 786 के समान दिखाई देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 786 को परंपरा में जोड़ते हैं तो 7/8 7/6 21 होता है। 21 को भी परंपरा जोड़ा जाए तो 2+2/3 अंक होता है, जो कि लगभग सभी धर्मों में अयुत शुभ एक पवित्र अंक माना जाता है। 3 उच्च महाशक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश, अल्लाह पैगंबर और मनुष्यों की संख्या भी 3 सस्ता सारी सृष्टि के मूल में समाये प्रमुख गुण सत राज व तम भी 3 है। आधारित हिंदू धर्म व मुस्लिम धर्म दोनों में ये दोनों धार्मिक प्रतीक मिलते जुलते हैं। 786 अंक से क्या संबंध है? 786 अंक हर मुसलमान बेहद पवित्र व अल्लाह का वरदान मानता है। यही कारण है कि इस धर्म को मानने वाले लोग अपने हर कार्य में 786 अंक के शामिल होने को शुभ मानते हैं। ये काल्पनिक दृष्टि से भी 786 अंक हिंदू एवं इस्लाम दोनों धर्मों को अपने भीतर पाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको 786 अंक को हिंदी गिनती के हिसाब से लिखना होगा, यानी कि इस तरह से 7/8 7/6 7/6। इसके बाद यदि आपको इन तीनों अंकों के अनुसार लगाए तो आप देखेंगे कि यह मिलकर ओम बनता है। इस्लाम में 786 अंक का महत्व नोट है या मकान का नंबर या फिर मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर या फिर समय हाथ पर इस अंक को गुदवाना। इस्लाम धर्म में इसकी मान्यता इन प्रयोगों से ये दिखाई देती है। लेकिन क्या आप इस अंक का इतिहास जानते हैं? क्या कहता है इतिहास? यूँ तो कहते हैं कि यह अंक कब आया, कहां से आया और ऐसे इस्लाम में प्रचलित हुआ, इसका जवाब बहुत ही कम लोग सही रूप में बता पाते हैं। लेकिन यह हम एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इस्लाम में धर्म में बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह के नाम को 786 के अंक से जोड़कर देखा जाए, इसलिए मुसलमान इस पाक अर्थात पवित्र एवं भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं यदि बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रामिल को अरबी या उद्र भाषा में लिखा जाए तो इन शब्दों को जोड़ा जाए तो उनका योग 786 आता है। एक पवित्र अंक शायद इसलिए लोगों को अल्लाह के नाम का संबोधन देने के लिए एक विकल्प के रूप में 786 का पवित्र अंक प्रयोग करने की सलाह दी गई है। इस्लाम धर्म विज्ञान को नहीं मानता, इसलिए कुछ मुस्लिम धर्म के अनुपयोगी की माने तो लोगों का अल्लाह की इबादत से जोड़े रखने के लिए इस अंक से का निर्माण किया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी न्यूज अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।